नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और नई सीरीज़ का नाम है चार्ट ऑफ द वीक। दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग सैटरडे और संडे अपनी जो एनालिसिस करते हैं वो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं फुल्ली डिपेंडली स्विंग ट्रेडिंग या BTST या फिर अपने पोर्टफोलियो की तरफ ही ध्यान देता हूँ। मैं इंट्राडे बहुत कम करता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैं बेसिकली जो स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ वो मैं सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही करता हूँ। तो मैंने सोचा कि हर हफ्ते कुछ आपके साथ भी शेयर करा जाए। तो अब हम लोग ये नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें मैं सैटरडे या संडे में से एक दिन आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेड की कॉल लेकर आऊँगा, एक शेयर लेकर आऊँगा, जो आप नेक्स्ट जब वीकेंड स्टार्ट होगा, जब वीकडे स्टार्ट होगा तब हम लोग उसे बाय कर सकते हैं मंडे को, और वो पूरा हफ्ता हम उसे ट्रेड कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं जब तक हमारा टारगेट नहीं आता। और प्रोबेबली वो एक हफ्ते के अंदर टारगेट आ जाता है। फिर नेक्स्ट सैटरडे हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिस पे आप मंडे को दोबारा बाय कर सकते हैं नया स्टॉक। तो ये चार्ट ऑफ द वीक हम लोग अब लेकर आए हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर ये सीरीज आप लोग कंटिन्यू करवाना चाहते हैं इस वीडियो के बाद तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट पे लिखिएगा कि ये कंटिन्यू मैं सीरीज करूं अगर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा कि नई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मिलती रहे। अब सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो नेक्स्ट वीक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं उसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज है जो इस स्टॉक में लेकर आया हूँ। उसका CMP जो अभी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 323.70 चल रहा है। आपको मैं डेट बता देता हूँ, आज की डेट कौन सी है, आज है 8 अगस्त 2020। ओके, सो 10th of August से हम लोगों को पता है कि मंडे को मार्केट ओपन होगी तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस इस पर, और ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट करा और मैं पर्सनली खुद भी बाइंग बनाता हूँ तो ही मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं खुद भी अपनी बाइंग बनाऊंगा इसलिए आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करा जा रहा है। अब लेवल्स आप लोगों को ध्यान से सुनने होंगे क्योंकि अगर आप लेवल्स पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग मेरे बिना लेवल पे ट्रेड नहीं लेते हैं और कोई और लेवल्स पे ट्रेड ले लेते हैं तो फिर वो आपके ऊपर रिस्क रहेगा। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं दी जाएगी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले सकते हैं। अब देखते हैं गाइस, मैं अपनी एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम टॉप्स या बॉटम्स को मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनालिसिस है, मैं अपने टॉप्स को मिलाता हूँ, ठीक है। या ये मैंने अपने टॉप को मिला लिया है मैं इसका, और अब हम अपने बॉटम्स को मिलाएंगे। अब यहाँ पर खुद देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ ये कौन सा पैटर्न है। डेली जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए इंट्राडे पे स्टॉक सिलेक्शन का, तो मैं आप लोगों को हर दिन स्टॉक्स उसी हिसाब से सिलेक्ट करवाता हूँ कि आपकी लर्निंग भी इंक्रीज हो। तो ये पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पैटर्न के बारे में आपको आज नाम नहीं बताऊंगा, तो मैं आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा ये पैटर्न कौन सा है और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, सो ये पैटर्न डेवलप हुआ है और इस पैटर्न का आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है इस लेवल पे। इस पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर हम लोगों को कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पैटर्न पे हम लोगों को कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा होता है तो इस चैनल पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि अब जो चैनल के अंदर ट्रेड करने की जो रेंज है वो रेंज अब एंड हो चुकी है, अब इस चैनल के अंदर और ट्रेड नहीं हो सकता। सो प्रॉबेबली या फिर ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा है, ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमने एक ब्रेकआउट देखा है, तो यहाँ पर अब एक बाइंग आ सकती है। अब एग्जैक्ट क्या हमें 323.70 पे ही बाय बनानी है कि इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ वॉच करना होगा? जी गाइस, हम लोगों को कुछ वॉच भी करना होगा, और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा तभी हम लोग इस एनालिसिस को कंप्लीट बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी हुई है मैं इनको हटा देता हूँ। इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं कि एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। अब एक एनालिसिस और करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जूम कर लिया है और यहाँ पर मैं एक एनालिसिस अपनी और लगा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ मैं, इस पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, ये अभी क्या कर रहा है,
अपसाइड एक इसने एक स्ट्रांग मूवमेंट दी, एक फॉल दिया, फॉल देने के बाद अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, ओके, अपसाइड दी, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं करा, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये एक रेंज में चला गया है, आप देख रहे हैं, उसके बाद ये एक रेंज में जा चुका है। अब रेंज में जाने के बाद ये मिड मे से है, ये मिड, मैं आपको बताऊं तो 15 मई के आसपास से ये रेंज बनना शुरू हुई है, और इस रेंज की अभी तक हमने देखा ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ओके, सो अभी तक इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो जो ये रेंज है इतना टारगेट हम लोग एक लेकर चल सकते हैं अपसाइड पे या डाउन साइड पे, ओके। तो अब आपको ये चीज़ देखने वाली है, जब मैंने आपको बोला कि इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आ चुका है तो हमें उसके अलावा भी ऑब्जर्व करना होगा कि क्या आगे कोई रेजिस्टेंस है तो नहीं। तो उसके लिए मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई जोन। ये एक सप्लाई जोन होता है, और मैं अब आप लोगों के लिए एक डिमांड जोन भी बना देता हूँ। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने डिमांड जोन आप लोगों के लिए बना दिया है। अब ये चीज हमें क्या बता रही है कि जब भी इस चैनल के अंदर आता है, देख सकते हैं डिमांड जोन, ये एक चैनल है, और ये डिमांड जोन है, इसे हम कहते हैं डी जेड, डिनोट करते हैं डी जेड से, इसे हम करते हैं एस जेड से, ओके। सो ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। अब आप देख सकते हैं सप्लाई जोन पे एक चैनल है। अब हम देखते हैं कि जब भी इस रेंज के अंदर आता है, इस रेंज के अंदर आता है जब भी शेयर, तो हम देखते हैं एक दोबारा सेलिंग आ जाती है और वहां से स्टॉक नीचे आ जाता है। हमने यहां पर देखा, हमने इस साइड देखा और हमने इस साइड देखा, सेम यहां पर हमने देखा कि जब भी डिमांड जोन पे आता है वहां पर एक बाइंग आ जाती है। आप देख पा रहे हैं जब भी डिमांड जोन पे आता है एक बाइंग आ जाती है। अब देखने वाली ये बात है, जब मैंने आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बनाई, जो मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं तो आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखिएगा, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो हमें यहां पर क्या पता चला, मुझे यहां पर ये पता चला कि यहां पर ब्रेकआउट आ चुका है। आप देख सकते हैं इस लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है, और क्लोज जो इसने करा है वो इसी रेंज के अंदर करा है, जिसे हम कहते हैं सप्लाई जोन, जहां पर सप्लाई आती है, जहां से शेयर बार बार फॉल कर जाता है। अब हम लोग इस लेवल पे बाय नहीं करेंगे, या फिर जब ये डिप देता है तो भी बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम लोग बाय पोजीशन कब बनाएंगे, जब इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, जो कि लेवल है 327 का। यहां से 4 रुपए ऊपर है, 4 रुपीस ऊपर है, तो जैसे ही 327 के ऊपर जाएगा हम लोग यहां पर अपना ट्रेड ले सकते हैं, और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो मैं टारगेट आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों को लेना है 327 के ऊपर, और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कैसे ट्रेड लेना है। जब ये 327 के ऊपर निकले, आपको 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करना है, और 5 मिनट के चार्ट ओपन के होने के बाद आपको देखना है कि जैसे ही 5 मिनट की कैंडल पे ये क्लोज कर जाता है इस लेवल के ऊपर, ये 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तब हम लोग यहाँ पर अपना एक ट्रेड बना सकते हैं। और टारगेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हाई है, या प्रीवियस हाई देख रहे हैं, ये प्रीवियस हाई मेरा टारगेट होगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये प्रीवियस हाई क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाया, ये देख सकते हैं कि इस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये देख रहे थे यहाँ पर डिमांड थी, ये लेवल पे हम लोग देखते थे एक बाइंग आ जाती थी। उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम देखते थे दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट कराओ, यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली, दोबारा नीचे चला गया। तो अब ये दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, तो जैसे ये 327 के ऊपर निकलेगा, 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग होगी, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 350। और ये अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं तो 9% का रिटर्न है जो आपको मिल सकता है। और अगर ये बाय चांस इसके ऊपर निकल जाता है और डेली कैंडल पे क्लोजिंग भी दे देता है, तो यहाँ पर और अच्छी मोमेंटम भी आ सकती है। बट हम लोग वीक के लिए बात कर रहे हैं, तो वीक पे 9% का रिटर्न दे सकता है, और मैं प्रॉबेबली प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं जितना रिटर्न के ऊपर ध्यान देता हूँ। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मैं डेली अपनी कैपिटल का 1% अर्न करूँ, और उसके बाद मैं मार्केट से निकल जाऊँ इंट्राडे पे। मेरा इंट्राडे पे कुछ नहीं है कि मुझे 5,000 कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, मेरे इंट्राडे में मुझे अपनी कैपिटल लगानी है पूरी, और उस पर मुझे सिर्फ 1% अर्न करना है। 1% अर्न हो जाता है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, 1% का लॉस हो जाता है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है गाइस। सो ये मेरा स्टॉक था, ये मेरा सिलेक्शन था, इस बेसिस पर मैंने अपनी एनालिसिस कर रखी है। अब आप लोग भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर आप लोग ट्रेड करना चाहें तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा ये जो मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया था, इस पर्टिकुलर पैटर्न को क्या कहते हैं, और उस पैटर्न को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मुझे पता चले कि आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं और समझने के साथ साथ।
सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस सीरीज़ की अगली वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, नेक्स्ट वीकेंड आ जाएगी, और आप लोग स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि वीडियो जैसी आए यूट्यूब पे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मंडे को कौन से इंट्राडे में ट्रेड्स लेने हैं उसकी वीडियो भी मैं कल संडे को 9:00 अपलोड कर दूंगा। मैं डेली वीडियोज़ 9:00 डालता हूँ इन द इवनिंग, सो आप लोग देख सकते हैं। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।